लोड़ पैने उत्ते खंडा खड़काउंदा रही। तैनू जिंद जान तो प्यारी है, जान तो प्यारी है। सिखी तैनू जिंद जान तो प्यारी है। दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है, दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है। साडा कोई बहादुर पंजाब आवेगा, पंजाब आवेगा, पंजाब आवेगा, पंजाब आवेगा। साडा कोई बहादुर पंजाब आवेगा, साडे नां ते तानू चिट्ठियां ओ पावेगा, साडे नां ते तानू चिट्ठियां ओ पावेगा। फिर सोतना वजीद खानियो, सोतना वजीर खान हंकारी है। दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है, दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है। ओ समा आने उत्ते तू शहीद होवेगा, ओ समा आने उत्ते तू शहीद होवेगा। मौत कोलो ना तू डकिया खलोवेगा, मौत कोलो ना तू डकिया खलोवेगा। जरनैला तेथों बलहारी है, तेथों बलहारी है। जामा जरनैला तेथों बलहारी है। दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है, दीप सिंगा तेरी इत्थे जिम्मेवारी है। कलगीधर सत्ते पातशाह महाराज ने बाबा दीप सिंह साहब दे मोढ़े ते हथ रखे, रख के मोढ़े ते हथ अधूने अनवर ने गल आखी, दीप सिंह एक गुरु की कांची है और इस गुरु की कांची तो वड्डे वड्डे महान लखारी ते महान विद्वान तुसां ने पैदा करने। इत्थे गुरबाणी की संथ्या करवाउणी है, इत्थे सिखी का प्रचार होवेगा, गुरु की बाणी दे नाल इत्थे संगतां नूं तुसां ने जोड़ना ते गुरु की गल दसनी है। इत्थे बाणी दे रसीए तुसां ने पैदा करने ने। कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज ने जथेदार बाबा दीप सिंह साहब नूं थापड़ा दिता है, ते दे के थापड़ा है भाई मनी सिंह नूं हरि दे मंदिर अमृतसर साहब की पावन पवित्र धरती नूं तोड़ दिता है, और जथेदार बाबा दीप सिंह साहब नूं सिखां दे पनवें तखत की जथेदारी दे के कलगी वाला सत्ता पातशाह नांदेड़ साहब की पावन पवित्र धरती नूं चला गया। हादुरी अनवर दे नाल सिंह सुरमे दरनैल गए ने, जथेदार बाबा दीप सिंह साहब साबो की तलवंडी सिखां दे पनवें तखते है। इत्थे कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज ने जथेदार बाबा दीप सिंह साहब नूं एक गल कही, बहादुर दरनैल सूरमा दरनैल नंदेड़ की पावन पवित्र धरती तो भेजांगे, जिहड़ा तुहानूं आण के चिट्ठियां पावेगा और तुहानूं उहना साथ देना पवेगा जिस महान मर्द की दास्तान का पन्ना ज्ञानी सतनाम सिंह जी लालू घूमन ने तुहाडी खिदमत विच रखे। जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने लंबा अरसा साथ दिता है बाबा बंदा सिंह बहादुर दा। बाबा दीप सिंह साहब जी सेवा निभा रहे ने, कहिंदे इधरों 7 मील की दूरी से एक पिंड पैंदा है जिहदा नाम इतिहास से सुनहरी अखां विच गुदवाया गया पक्का। उस पक्के नगर के अंदर पक्का किला बना के रह रहे गफारू खां, जिहड़ा हंकार दे विच मान मता है, बहुत बड़ा हंकारी है जिन्हों कोई भी अपने तो वड्डा नजर ही नहीं आता है, जिहदी सरकारे दरबारे पूरी टौर है चलती है। कारण की कि यह सूबा है सरहंद आजीद खान का साका साले गफारू खां अपनिया मन आईया करता है, तो अपनिया मन आईया के तहत पणतां दीआं धीआं दे डोले दिन दीवी शरेआम चुक के अपने महिला के अंदर पाउंदा है, ते कोई युरत नहीं करता है कि जाके गफारू खां दीआं अखां विच अखां पा के कह सके कि साडियां ती ध्याणियां दा डोला जिहड़ा उह मोड़ दित्ता जावे। ऐसा नहीं हुंदा है, इहदीआं अखां दे विच अखां पा के कोई गल करन दी युरत नहीं रखदे। इस नगर के अंदर एक रहिंदा है पंडित, जिस पंडित का नाम इतिहास ने हरिदास करके दर्शाया है। यह पंडित अपने बुतां की पूजा करता है, यह पंडित
शिवजी की पूजा करता है, यह पंडित कृष्ण मुरार दी मूर्तियां की पूजा करता है, मंदिर का पुजारी है। एदिया दो धियां ने, एक धी दीवान होई ते ने सोचा कि मैं अपनी धी का जिहड़ा विआह है वह यह नडर है, अंदरों थोड़ी जी युरत रखता है, पर इहदा सारे का सारा जिहड़ा परिवार है उस परिवार के अंदर युरत का कणका नहीं है। इन्हें विचार बनाउंदा कि अपनी धी का जिहड़ा डोला है वह गफारू खान के महलों ते जाण तों पहलां है, मैं पंडतां दे नाल पंडतां दे परिवार दे नाल इस धी का विआह करके नूं अपने घर तोर देवांगा। फैसला लिया, कहिंदे इस जिहड़ी फैसले की कल है वह गफारू थां तक पुजी है, उधरों जिहड़ा परिवार कमदिला सी उस परिवार ने उधर नूं खबर पहुँचाई है, पर इधर की है, इधर अपनी घरवाली नूं इह गल कहण लगा कि जिहड़ा घर मैं अपनी धी दे वास्ते वेख्या है वह पंडित भी अगों दलेर सन, उन्होंने कल आकी के जे तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं, जे तुसी उस गफारू खां तो डरदे नहीं ते गफारू खां तो साडा परिवार नहीं डरदा है, जे तुसी डोला तोरन दी युरत रखते हो ते असी डोला लियाउण दी युरत रखते हैं, प्यार दे नाल तकीए अपनी घरवाली दे नाल। उस पंडित ने अपनी धी दे डोले नूं तोरन दी दास्तां जिवें सामी कीती जोड़ी तुहाडी खिदमत विच ऐउं रखदी है, प्यार नाल सुणी। वाहिगुरु जी। ओ घरवाली नू आखदा कोई बणत बनाइए, घरवाली नू आखदा कोई बणत बनाइए, कोई मुंडा लभ के हाणदा इसनू परनाइए, मुंडा लभ के हाणदा इसनू परनाइए, घरवाली नू आखदा कोई बणत बनाइए, घरवाली नू आखदा कोई बणत बनाइए, कोई मुंडा लभ के हाणदा इसनू परनाइए, ओ ए मुंडा लभ के हाणदा इसनू परनाइए, मुंडा लभ के हाणदा इसनू परनाइए, हाथ पीले करिए इस दे डर दिल दा लाइए, ओ पीले करिए इस दे डर दिल दा लाइए, पीले करिए इस दे डर दिल दा लाइए, क्यों कैदन कीता इसनू आजाद कराइए, कैदन कीता इसनू आजाद कराइए, ना सदिए बहुता मेल भी ना रौला पाइए, सदिए बहुता मेल भी ना रौला पाइए, ओ डर मारे पिया नवाब दा लुटे ना जाइए, हाँ है डर मारे पिया नवाब दा लुटे ना जाइए, मारे पिया नवाब दा लुटे ना जाइए, ऐवें थोड़ी जी जंज सद के ती अगे लाइए, थोड़ी जी जंज सद के ती अगे लाइए, सुरखरू राज रोटी खाइए, हो के आपा सुरखरू राज रोटी खाइए, अपनी घरवाली दे नाल सलाह करदे ते कहन लगा भागां वालीए धियां दा पार, धियां दी पंड
अपने सिर तो लाई कार है ते हुण ओह पंडित मन्ने ने ते आपां अपनी तीता डोला है तोर दईए ते अपने सिर तो जिहड़ी बहुत वड्डी पंड उहनूं उतार दईए पार ला लई। घर वाली ने सलाह दित्ती कि हुण आपां बहुता मेल नहीं सदना, बहुता रौला नहीं पाउणा, अपने परिवार नूं बुला के कोल ते कोल बुला के आखण लगी हुण शरीका भाई तारा है, कहन लगी भी किसी के कन्नों कन्नी खबर नहीं होनी चाहिए, आप अपनी धी का विआह कर देना, यह पारा ला देना। जो ऐसा होया जेड़े कमदले सन वित परिवार के मैंबर उन्हें आख्या दे गफारू खां इस गल का पता लग गया भी इन्हों ने अपनी धी का डोला मेरे महिला के अंदर भेजने तो पहला ही तोड़ दिता है। कहन लगे छेगा नहीं, वह मार देगा, तो मरण के नालों बेहतर यही है कि असी जाके उन्होंने दस दईए कि पंडित साढ़े आखे नहीं लगता, ये आप मुहारा होके चलता है, तो अपनी धी का जोड़ा विह है अपनी धी का जोड़ा डोला उन्होंने पंडितों के नाल तोरन लगे। ऐसा ही होया शरीका कट्ठा होकर गया तो जाके गफारू खां यह गल कह लगा, कह लगे नवाब साहब साडा कोई कसूर नहीं, पंडित हरी दास दियां अखां ते पट्टी बद गई, पुजारी है मंदिर दा, तेनू इउं भसदा कि जिवें मेरी मदद दे उपर देवी देवत्यां ने उतर आउणा है, ते उह अपनी धी दा विआह करन लगा है, अपनी धी दा डोला तोरन दियां ब्यौतां घड़दा है, सवेरे उहने डोला तोर देणा है, जे तुहानूं पता लग गया ते उहनां दे नाल असीं वी मारे जाणा सी, असीं इस करके तुहाडे कोल दसण वास्ते आए हां, सानूं कुछ ना आखिओ ते जाओ जाके उस पंडित दी धी नूं ते पंडित नूं दबोच लवो। इन्हें अपने अहलकार घले ने, अहलकारा ने जाके दबका मारिया ते कहन लगा ओ पंडता तैनूं इस गल दा पता नहीं, इस इलाके दे अंदर गफारू खां दी दहशत बड़ी भारी है, उहदी सेंटर दे नाल सिद्धी गलबात है, सूबा ही सरहंद वजीद खां दा उह सका साल है, तैनूं इस गल दा पता नहीं कि उहने तेरे वल अख भर के वेख्या ते तेरी मौत हो सकती है, तूं आण के दसना ठीक नहीं समझिया, इन्निया गल्लां कीतियां है। ते पंडित ने अगों आख्या ओए नोड़ा ना मारियो, तुहाडे कन्नों कन्नी खबर मैं नहीं सी पाउणी चाहुंदा है, पर ऐसा होया धी दा डोला तुरन तो पहला वह पंडित की जिहड़ी धी है उस धी नूं धक्के नाल खो के लै गए ते जाके गफारू खां दे महलां विच पा दित्ते। जदों खो के तुरन लगे पंडित पैरां ते डिगा, पंडित ने बड़े आड़े कढ़े, इन्हें आख्या ना आ जिहड़ा कहर ना गदारिया जे धी दा दर्द धी दा जिहड़ा दुख है ओ दुनिया का कोई भी बाप जर नहीं सकता, पर इनू लत्तां मारियां गईयां, इनू ठुड्डे मारे गए, इहदे नाल बहुत बेरहमी दे नाल पेश आए, इहदी धी नू ओ नवाब गफारू खां उहदे जिहड़े अहलकार ओ धक्के दे नाल जाके उन्होंने महलां विच पा दित्ता है। हुण पंडित ने शरीके भाईचारे दे घरां विच जाणा शुरू कीता है ते शरीके भाईतारे नू जाके हथ पल्ला जोड़िया, ओए मेरी धी कल्ले दी नहीं तुहाडी वी नाल है सांझी है, ते आओ आपां जाके नवाब दे कोल चलीए ते नवाब दे कोल जाके उस धी दा डोला छड़वा के लियाइए, वह पंडित सारियां दी बदनामी है, ये सारियां दे सिर बढ़ना है, ये जिहड़ा सिहरा सारियां सिर ही बदना है, भावें वह बदनामी दा है ते भावें वह सिहरा जिहड़ा है जितदा है, ये सारियां दे सिर ही मजना है। उठो कहिंदे कोई भी शरीके भाईचारे दे विचों उठिया ना, जदों उठिया ना ना फिर हुण गया अपने मंदिर के अंदर ते जाके शिवजी का टल खड़काया, खड़का के शिवजी का टल ते कहन लगा देवत्या हुण तू मेरी बांह फड़, हुण जिन्हां दी अगरबत्ती लैके पूजा करदा सी उन्हां मूर्तियां दे सामे जाके दोवें हाथ जोड़ के इस पंडित ने आख्या, कहन लगा ओए देवी देवत्यो मैं तुहाडी पूजा करदा रहा, आ हंकारी गफारू खां मेरी धी दा डोला है धक्के नाल चुक के लै गया है, जे मैं तुहाडी सेवा मन मार के कीती है ते मन मार के कीती ते हुण मेरी बात तुसी फड़ो, जाओ गफारू खां दे कोलों मेरी धी दा डोला छदवा के लियाओ। हुण पत्थरां दे विच्चों कौण बौड़े, हुण पत्थरां दे विच्चों कौण आखे कि मैं तेरी धी दा डोला लिया के छदवा के तेरे घर विच रखांगा और तेरी धी दा डोला इउं दा त्यों तोरांगा। हुण कहन लगे ने मंदरां विच जाके मथेरे टल खड़काए, इन्हें मंदरां विच अपना सिर पटकना शुरू कर दिता है, इन्हें आख्या शिवजी नूं बाहर निकले इस पत्थर की मूर्ति चों ते आण के गफारू खां दे कोलों मेरी धी दा डोला छड़वा के दे।
पर किसी भी हिंदू देवी देवते ने दी बाह ना पकड़ी। गुरु नानक देव सत्ते पातशाह महाराज के दर करदा सिख उस मंदिर के अगों की गुजर रहा सी, जदों ये सिर पटकदा है इहदी आवाज उस गुरु के सिख के कन्नां विच गई। गया उस मंदिर के अंदर, जदों मंदिर के अंदर गया अज दा सिख हुंदा ते उहदियां फोटोआं खिच के पा दिंदा वी इह मंदिर के अंदर की लैण वास्ते गया, पर उह तां उस दुखीए दा दर्द मनाउण वास्ते गया सी। जदों गया है ते पंडित नूं कहण लगा, पंडिता क्यों इन्ना परेशान है, अपना सिर इस तहलीज के उपर इस मंदिर की चौखट के उपर क्यों पटकदा है? कहिंदा मेरी ती नूं गफारू खां धक्के नाल चुक के लै गया है, उहदे आल घर चुक के लै गए ते मैं छड़वाउण वास्ते इन्हां देवी देवत्यां नूं बेनतियां करदे पर मेरी कोई भी नहीं सुणदा। पंडित दे मोढे ते हथ रखे ते पंडित दे मोढे ते हथ रख के कहण लगा, पंडिता याद रख इस पत्थर दीआं मूर्तियां दे विचों किसे ने भी बौड़ना नहीं। जे तू चाहुंदा है मेरी धी का डोला उस गफारू खान दे कोलों यों दा त्यों बरकरार लियांदा जावे ते मैं ब्यावां उहनूं, ते याद रख इक्को ही दर है गुरु नानक देव सत्ते पातशाह महाराज दा घर, ओहो ही तेरी बाँह पकड़ सकदा है और कोई तेरी बाँह नहीं पकड़ सकदा। कहिण लगा मैनूं कित्थे मिलेगा, कित्थे दावांगा? अगो गुरु के सिख ने एक गल आखी, कहन लगा सत कमील की दूरी ते सिखां दा पंजवा तख्ता है साबो की तलवंडी, ते गुरु नानक देव सत्ते पातशाह महाराज जी दसवीं जोत ने माझे दे जरनैल माझे दे महान सूरमे जरनैल बाबा दीप सिंह साहब नूं जथेदारी दित्ती है, वह गरीबां दी बाह पकड़दा है, ते कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज ने गऊ गरीब की रखिया वास्ते यह खालसा तैयार बार तैयार किया है। आ मैं भी तेरे नाल चलदा है, जथेदार बाबा दीप सिंह साहब दे कोल चलदे आ, उत्थे तेरी झोली विच खैर पै सकती है, होर किते भी नहीं पै सकती। नाल चल पे गुरु का सिख, तुरे ने सत मील का पेंडा तय किया है, करके पेंडा तय तखत के अंदर गए ने, गुरु घर के अंदर गए ने। गुरु घर के अंदर जाके ते पुछया कि जथेदार बाबा दीप सिंह साहब किथे ने, सदे ने जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने। जांदियां सार ही पंडित ने हाथ जोड़े, कंपदियां लत्तां ते कंपदे हत्थां दे नाल जथेदार बाबा दीप सिंह साहब नूं कहण लगा, जी जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी तुसी हो? कहण लगे आओ पंडित जी दसो। कहण लगा जी मैं फरियाद लैके आया। जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने आवाज दित्ती संगा नूं, कहण लगा पंडित नूं पहलां ते जल पाणी छकाया जावे, ते जल पाणी छका के इहनूं फिर मेरे कोल लिआंदा जावे। इहनूं कह त्रास रख ते अपने अंदर दी दास्तां दा पन्ना दस। हुण जी दी ती जिस ती दा डोला गफारू खाने चुक के खड़िया है उहनूं प्रशादा कित्थे लंघना सी? मरदे जिउंदे नुगल नुगल करके दो प्रशादे छके आ गए जथेदार बाबा दीप सिंह साहब दे कोल, ते आण के ताहां मार के रोण लग गया है। जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने आख्या, पंडिता रोंदा क्यों है? अपने अंदर दी दास्तां दस के गल की है? ते फिर उच्ची उच्ची भुम्मा मार के रोण लगा है। जदों रोण लगा है माझे दे महान दरनैल ने पपकार मारी ते आख्या, पंडिता अपने अंदर दी गल खोल के दस, की दुख लैके आया है? गुरु नानक देव सत्ते पातशाह महाराज का घर है, इथों तू खाली नहीं मुड़ेगा। कहिंदा यही आस लैके आए, तुहानू पता होगा इथों थोड़ी दूर नजदीक पिंड पक्के, पिंड पक्के दे अंदर गफारू खां रहिंदा है। बाबा दीप सिंह साहब जी कहन लगे, पंडिता गल दस की है? कहन लगा जी ओ मेरी धी का डोला है धक्के नाल चुक के लै गया है, उस धी दे कोलों हुण उस धी नूं ओदे कोलों ओदे डोले नूं छड़वा के लिआउणा है, ते मेरी मदद दे उपर कोई भी नहीं उतरदा। जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी कहन लगे, गफारू खां? कहिंदा हाँ गफारू खां। अगे भी ना सुनिया है, इहदी पिठ ते कौण है? उस पंडित ने हथ जोड़ के आख्या, बाबा दीप सिंह साहब जी ये सूबा है सरहंद वजीद खां का सका साल है। जदों इन्नी गल आखी ना तो जथेदार बाबा दीप सिंह साहब तो कहन लगे, भी सूबा है सरहंद वजीद खां का सका साल है? पंडित कहन लगा, हाँ बाबा जी सका साल है, इस करके किसी तुम्हें डरता नहीं, भी उहदी सेंटर नाल सीधी गलबात है। बाबा दीप सिंह साहब दे आप महारे डौले फरकण लगे, नेत्रां विच खून दे डोरे उतर आए, पा के चंडी की मुठ्ठी ते हाथ पा के तलवार के मुठ्ठे ते हाथ, कहन लगा, पंडिता उस सूबा सरहद वजीद खां दे नाल ते साडा दे प्राणा हिसाब किताब चुकदा करना बाकी है,
असी तेरी धी नूं छड़वा के लियावांगे, छड़ा के सारे काम ला के नंगारे ते चोट लाओ सुरमे जरनैलां नूं वंगार के यथेदार बाबा दीप सिंह साहिब दी ला के नंगारे ते चोट। उस पंडित नूं कहन लगे पंडता उठ ते साडे नाल चल। जदों इन्नी गल आखी ना पंडित ने हाथ जोड़ के आख्या जथेदार जी मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदा। बाबा दीप सिंह साहब जी कहन लगे भी तू साडे नाल नहीं जा सकदा, तेरी धी का डोला छड़वा के लियाउणा है, सानू किवें पता लगेगा कि तेरी धी कहड़ी है, तू ही दसेंगा साडे नाल चल। ते जथेदार बाबा दीप सिंह साहब नूं पंडित कहन लगा बाबा जी याद रखो ओदा दे जिड्डा कद्दा है ओदे आ मोटे मोटे नेत्र ने, जदों मैं ओदे कोल जावांगा उन्हें अपने मथे की त्यूड़ी अख की घूर दे नाल मेरे वल वेख्या मैं ते थां ते मर जावांगा, मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदा। जदों इन्नी गल आखी ते जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने आख्या पंडता अज गुरु दे खालसे दे नाल चलिया है, अज वह मथे ते त्यूड़ी नहीं पा सकेगा, अज वह अपनी अख की घूर दे नाल तेरी मौत नहीं कर सकेगा, साडे नाल चल। मरदे जिंदे ने हौसला किया है, यथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने बिठाया घोड़े के उपर मंदलों नूं मारदे होए और अपने सारे सुरमे दरनैलां नूं नाल लैके आन पहुंचे ने उस पक्की गड़ी के अंदर है। आज चारों तरफा तो घेर लिया है, बेशक पक्का किला बना के बैठा सी हंकारी गफारू खां और सुरमे दरनैला ने इस गड़ी नूं चारों तरफा तो घेर लिया है। जेड़े बाहर आए सारिया नूं नेदियां विच दी परो दिता है, मौत दे घाट उतार दिता है। आखिरकार वड्डा दरवाजा ना सुरमे दरनैला ने खिला लिया है। जदों वड्डा दरवाजा खिलाया गया ना खड़ा के वड्डा दरवाजा हुण पता है कि गफारू खान ऐशो आराम की जिंदगी बतीत कर रहा है, महिला के अंदर सुता है, इस पंडित की धी दे नाल उस डोले दे नाल ऐशो आराम की जिंदगी बतीत कर रहा है। आ महारे दौले फरकन लगे ने, अखा ने आंगार सुटे ने, जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने वांगार के सुरमे दरनैला नूं अपनी शमशीर नूं बेमियान किया है, शर कर दी चंडी अपने इस म्यान दे विचों कढ़ी है, रख के धरती की हिक दे उपर वांगार के नामर दरनैला नूं कहिंदा सुरमेओ तुसी नाल हो। मर्दां ने हंगारा दिता वे जिन्हां ने दिल दिता है और सिर देण तों इनकार नहीं करदे। सुरमे दरनैल ने रख के धरती की हिक ते तलवार वांगार के उस गवारू खान नूं आवाज मारी ते आख्या खाना बाहर निकल, अज गुरु का खालसा तेनों मिलन वास्ते आया है, मैं सुनिया तू दुद्धिया दी तियां नूं चुक के ऐशो आराम की जिंदगी बतीत करदा है। वेख कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज के सूरमे दरनैलों के जिहड़े रंग ने और सूरज दियां लालियां दे वांग भखदे ने खाना बाहर, अज गुरु का खालसा तेनों मिलन वास्ते। हल्ला करता सिखर दुपहरे जाके मर्द दलेरा ने चारे पासे उस दे मल्ले जानो बब्बर शेरा ने, जे तू मर्द सदाउना खाना कर साडे ते वार जरा तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार जरा। हल्ला करता सिखर दुपहरे जाके मर्द दलेरा ने उस दे मल्ले जानो बब्बर शेरा ने, जे तू मर्द सदाउना है खाना कर साडे ते वार जरा तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार जरा। गौ गरीब दी राखी करनी साडी जिम्मेवारी है, सुनिया इस इलाके अंदर तेरी दहशत भारी है, सुन साडी ललकार जरा तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार जरा। तू अल्लाह दा खौफ भुला के लुटदा ने गरीबां नू, कई विचारे किस्मत मारे रोंदे फिर नसीबां नू, आ जाए आपां आपस विच दी परख लईए तलवार जरा तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार। अरे
तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार जरा जोर देण ते चुक ले आवे नट पंडता दियां जाइयां नो रब दा खौफ भुलाया दुष्टा करदा ए मन आईयां नो जे कोई तेरे तरले करदा सुनदा नहीं पकार जरा तैनू सिंह मिलन ली आए निकल गड़ी चो बार जरा करके खन वाख्या खाना बाहर निकला अज गुरु का खालसा तैनू मिलन वास्ते आए वंगारिया गथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने ऐशो राम की जिंदगी बतीत कर रहा सी बहशत के अंदर बैठा है जदों इन्नी गल हुई तो जाके अहलकार ने गल आखी है गफारू खान नू कहन लगा नवाब साहब अज गुरु का खालसा मिलन वास्ते आए हैं जदों इन्नी गल कही कहिंदा गुरु का खालसा मेरी गड़ी दे अंदर आके मेरे इस पक्के किले दे अंदर आके ते मैनू वंगारदा है इनू पता नहीं ये गफारू खान दे किले बताया है शायद इनू याद नहीं कि मेरी सेंटर दे नाल सिद्धी गलबात है मैं सूबा सरहंद वजीद खान दा सका साला तैनू दसिया नहीं तो तू इन्नी गल हुई ना अहलकार कहिंदा भी मैं दसिया ते सी पर जे तैनू लगता है कि मैं दोबारा दसा तो मैं दोबारा जाके दस आने हूँ गफारू खान नाल आया है चल के जो तो नाल चल के आया है अपने अहलकार कह लगा वो इनू दस जे भली चाहना है तो वापस परत जा वापस परत जा मैं गफारू खान हाँ मैं तो एक दुंबा कला ही खा जाना है साबत दुंबा मैं कला ही तुर जाना तू मेरे नाल पंगा नहीं ले सकता मेरी सेंटर दे नाल सीधी गलबात है मैं उस सूबा सरहंद वजीद खान का साला है जिन्हें कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज के बच्चों जिंदा सरहंद दीवारों दे अंदर के अंदर चिण दिता है कहते कि तो ऐसा होया ना इन्नी गल आखी ना सूरमे जरनैल ने यह गल उस अहलकार के मूहो सुनी तो लागे खड़ा है गफारू खान ते मर्द ने जी अपनी शमशीर है उन्होंने गातले के पा लिया है पत्थे विचों कढ़िया तीर आ चाड़ के कमान से चले तो उपर चर करता जोर न खिचया लोहे के नाल मड़िया सी फलादी ने जरीब पहनी हुई है पर सूरमे जरनैल ने जेड़ा इन्हें लोहे का फलादी मखौटा है अपने सिर के उपर पाया से सूरमे जरनैल ने इन्ने जोश के नाल तीर मारिया कि उस मखौटे के विच दी कढ़िया इन्नी स्पीड ना वजा के पिछे जाके कंध दे विच अड़ गया ते तू के धरती ते डिग पिया जदों डिग पिया ना हुण गफारू खान नूं इस गल का पता लगा भी यह तीर मेरी पुरपड़ी विच भी वज सकदा सी इन्हें तो मैनू अंबारी तो थले सुट लैना सी हुण मैं इस माउंटी के उपर खड़ा उच्ची माउंटी के उपर ते इह जिहड़ा तीर इहने इहनूं मारिया है इह मेरे सिर विच भी मार सकदा सी हुण दो मन बनाउंदा है एक मन ते बनाउंदा है कि पिछले दरवाजे दे थाणी दौड़ जावां ते दूजा मन बनाउंदा है भी इहदे नाल आ के थल्ले मैदान दे अंदर उतरां ते दो दो हथ करां जदों इह मन बनाउंदा कि दौड़ जावां ते कहिंदा मैनू ते इथों दीआं औरतां ने पत्थर मार मार के मार देणा है वड्डा मर्द बणदा सी अज सूरमे जरनैलां दे नाल आमो सामने दी गल होई ते अज पिठ विखा के पिछले दरवाजे थानी दौड़ गया जो इन्नी गल हो ना इन्हें मरदे जिंदे ने फिर वंगार मारी जथेदार बाबा दीप सिंह नूं कहन लगा दीप सिंह ओए शेरां दे मूंह दे विचों वी कदी बकरियां नूं छंडाया गया है जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने जवाब दिता ओए अज तेरा सामना अज तेरा टाकरा गुरु दे खालसे दे नाल होण लगा है अज बकरी भी छंडा के खड़नी है ते शेर का शिकार करके तू शेर बनदा है ना अज शेर का शिकार करके इस बकरी नूं छड़ा के खड़ना है जे तेरे डौलियां च ताकत है ते थले आ हुण मरदे जिउंदे ने अपनी गैरत नूं टुंबिया अहलकारां नूं नामी जरनैलां नूं लिया नाल तलवार दा धनी सी थले उतरिया है जदों थले उतरिया ना ते थले हुण लोहे नाल लोहा खड़कन लगा है आपस विच ही तलवारां दे विचों चंगियाड़े निकल लगे ने ढालां उपर ढालां वजन लगियां ने ढाला ते तलवारां वजन लगियां ने नेदे वजन लगे ने लहू मिज दा गादा एक हो रहा है
ते कह लगे लड़द्या लड़द्या गफारू खान आ गया बाबा दीप सिंह साहब की जाड़ थले। जदों आ गया ते वंगार के खान नूं आख्या, खाना मता ही तेरे दिल दे विच कोई भरम रह जावे अपने दिल दियां पुगाला, अज तो बाद तू किसी की धी भैन का डोला नहीं चुक के लिया सकेगा, यह तेरे नाल खालसे का वादा है। मैं सुनिया तू तलवार का धनी है। अगों गफारू खां कहिंदा तू सही सुनिया है, इन्हें मरदे जिंदे ने वार तो किए पर अगले बन्ने मर्द जथेदार बाबा दीप सिंह साहब से वार रोके ने। मर्द ने वंगार के इन आख्या, वह खाना है बेशक तू फलादी जरीब के नाल अपने आप को ढकया होया है, पर याद रखी अज गुरु के खालसे का वार तेरे उपर होने लगा है। शर कर दी चंडी म्यान के धोई है। यथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने पा के घोड़े दियां रकाबा ते पार, मर्द माझ दा महान दरनैल यथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने लियान के उपरों चंडी वांगार के गफारू खान पा के पब्बा ते पार जाप किया। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग बेपूते कलगी वाले सत्ते पातशाह महाराज नू करके याद लियान के उतो सदे बने मोडे ते उस गफारू खान दो फाड़ एयों कीता। जींदा रहे। अग लगी सती कपड़ी नवाब दे, जदों सिंगा ने सुनी ललकार, जापे मौत तुसां दी आ गई गिदड़ो गिदड़ो, बुए शेर दे जे रह जे वंगारा, सूरमा चढ़े पहन के पंजे हथियार, तेग गुस्से विच खेचली म्यान चो, गुस्से विच खेचली म्यान चो, जट आ गया गड़ी दे विचों बार। ओ अग लगी सती कपड़ी नवाब दे, ओ जदों सिंगा दी सुनी ललकार, जापे मौत तुसां दी आ गई गिदड़ो गिदड़ो, बुए शेर दे जे रह जे वंगारा, मार के नगारी उत्ते सूरमा चढ़े पहन के पंजे हथियार, तेग गुस्से विच खेचली पठान ने, गुस्से विच खेचली पठान ने, चाटे आ गया गड़ी दे विचों बार। बई अगो खालसे नू चढ़ आईया लालिया, खालसे नू चढ़ आईया लालिया, भुखे शेर नू जादे सुपे शिकार, तू चुकदा गरीबां दियां कन्या कन्या, खौफ खालसे दा दिल चो वसार। लड़ी दोवां तिरां दी जानो पलां विच लथ गए सथार, खेडी ऐसी खेडी तेग दे खिडारियां, ऐसी खेडी तेग दे खिडारियां, थड़े लोथां वाले दिते ने उसारा। जथेदार ते पठाने आपो विच सी, ओ गल पै गए इक दूजे नूं वंगार, सट्टा वध वध सूरमे सी मार दे, वध वध सूरमे सी मार दे, दोवां धरां दे खड़ी हैं जित हार। ओ तेगा मार मार थकिया नवाब जाई, ओ तेगा मार मार थकिया नवाब जा, जथेदार ने मारी तलवार, दो ताड़कार सुटता पठान नू, ताड़कार सुटता पठान नू, जिमें साबण नू चीर सुटे तारा। मोया वेखिया जा फौज ने नवाब नू, यो खाक भज गए मैदान विचो हार, इस तरह जरनैल सिंह पंथ ने, तरह जरनैल सिंह पंथ ने कीता बहुत वड्डा पारे उपकार। यथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने भरमा वार किया है, सज्जे मोढ़े तो लियान के तलवार मारी है, उस हंकारी गफारू खान दुफाड़ करके धरती से सुट दिते।
हुण जदों नवाब मारिया गया फौजां दा जरनैल मारिया गया तो फिर फौजां दा हौसला तो टुटना ही सी। फौजां फिर किस काम दौड़ उठियां ने छड़ के किले नूं। जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने जिथे हैदरी झंडा झुलदा सी उसकी जगह उपर केसरी झंडा लहराया, लहरा के केसरी झंडा है उस पंडित दी अबला तीर नूं अबला पंडताणी नूं हवाले कर दिता है। तो करके उहदे हवाले जथेदार बाबा दीप सिंह साहब ने आख्या है कि मर्दो हुण आपां वापस इधर नूं परतना है, ला के नगारे ते चोटा है। जितनिया गल्लां करदा होया गुरु का खालसा है पक्के पिंड तो हैदरी झंडे की जगह ते केसरी झंडा लहरा के पंडित नूं दी ती वापस करके घर छड के उसके डोले उत्थे दे लोकां नूं ये गल आखी कि अज तो बाद किसी भी ती का डोला कोई भी हंकारी पठान जो चुक के नहीं खड़ेगा। यह दिलासा दे के वादा करके जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी साबू की तलवंडी आ गए। इत्थे आके ना सिक्खी का प्रचार बाणी बाणी दे धारनी बाणी दे नाल जोड़िया और दे गुरु दे प्यार वालिया ने खंडे बाटे दी पौल छाके आज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्ते पातशाह महाराज जी संथिया लैके अपना जीवन सफला किया। अज भी जेडे बुद्धिजीवी लोग उत्थे जांदे उन्हां नूं पता है कि किसी नूं पढ़ाई नहीं आउंदी जां गुरबाणी दे विच उहदी रुचि नहीं बनती तो उत्थे 35 लिख के आउंदे ने। ते कलगी वाला सच्चा पातशाह महाराज कृपा करदा है, मेहरमत करदा है, दया करदा है। ये बाबा दीप सिंह साहब जी की दास्तान का पन्ना है, थोड़े समय अंदर तुहाडी खिदमत विच रखण दा यतन कीता है। भुल्लां साडियां ने झोली विच पा दिया जे और इतिहास गुरु दा है अपने हिरदे के अंदर वसा के अपने जीवन काल के अंदर पलटा लियाउण दा यतन जरूर करिया जे। शरीर कुछ काम ते नहीं सी करदा पर इन्हां वीरां दा दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद करदा हां जिन्हां वीरां ने वड्डी मेहनत मार के दवाई भी दित्ती ते नप घुट के तुहाडी रब वर्गी संगत दे जोड़े करन दे योग बनाया, जोड़े चाड़न दे योग बनाया। गुरु कृपा करे सीस ते मेहर भरे हथ रख के रहिंदे समय की सेवा भी दतार पातशाह महाराज आप लेंदे रहने हो अरदास करिया दे जथे दे सिर ते सतगुरु मेहर भरे हथ रखे। आखो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पला। इतिहास का माण सत्कार करदे आ साडे सत्कार योग प्रधान साहिबान सरदार जादविंदर सिंह जी मल उन्हां वल्लों सौ दमड़ा पुजदा होया मैं कदरदानी का धन्नवाद करदा। मेरे वीर जी वीर पवित्र सिंह जी मल उन्हां वल्लों इतिहास का माण सत्कार करदे आ 200 दमड़ा पचाया गया है, मैं कदरदानी का दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद करदा हाँ। सरदार लखविंदर सिंह जी मल सकत्तर साहिबान उन्हां वल्लों भी इतिहास का माण सत्कार करदे आ 100 दमड़ा पचाया गया है, दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद। सरदार हरदेव सिंह जी गिल उन्हां वल्लों भी इतिहास का माण सत्कार करदे होए 100 दमड़ा पचाया गया है, सतगुरु कृपा करे। सरदार सुखदेव सिंह जी सहिबे वाला उन्हां वल्लों भी 100 दमड़ा है। सरदार तरसेम सिंह जी ढाडी खेतला उन्हां वल्लों भी इतिहास का माण सत्कार करदे होए 100 दमड़ा पुजदा होया। साडे सत्कार योग गुरु घर के वजीर साहबान गुरु घर के ग्रंथी साहबान जिन्हों के उपर गुरदेव पिता ने अपार बख्शिश अपार कृपा की, जो आप महान विद्वान ने सूदवान सैकटरी ने जथेदार बाबा जरनैल सिंह साहब जी गुरु घर के ग्रंथी सिंह बान बाबा जी उन्होंने वालों भी इतिहास का माण सत्कार करद हो 100 दमड़ा पताया गया है। वह स्टेज में बड़े सुचजे ढंग के नाल चला रहे हैं। सरदार चढ़त सिंह जी मेरा वीर तुहाडी खिदमत विच पहला सेवा करके गया है, ज्ञानी सतनाम सिंह जी लालू घूमण उन्हां अपने पचंगी चढ़त सिंह की चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती करवाई। आखो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पला है। मेरा छोटा वीर
रुपिंदर सिंह जी रत्ता खेड़ा असी रत्ते खेड़े गए, वीर पवित्र सिंह की रिश्तेदारी है, बड़ी डूंगी रिश्तेदारी है और सानू बड़ा माण ते बड़ा सत्कार इस बच्चे ने बख्शे, छोटे वीर ने बख्शे है, उहदे वल्लों भी 100 दमड़ा आया, वह इत्थे पहुंचे जीव आया, होर भी रब वर्गियां संगतां वल्लों इतिहास का माण सत्कार करदे आ, सत्कारयोग मातावां भैणां वीरां बजुर्गां वल्लों माण आया, जिन्हां दे नाम मेरे गुरदेव पिता आप जाणदे ने, साउंड वाले वीर का धन्नवाद, आ जिहड़े मेरे वीर रिकॉर्ड कर रहे ने, कवरेज कर रहे ने, इन्हां वीरां दा भी दिल दीआं गहराईआं तों धन्नवाद।